तो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। बेसिकली इसमें क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस बी वन एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, तो आप सबको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट करते हो तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन लीनियर मोमेंटम पी, या इलेक्ट्रॉन के केस में 12.27 अंडर रूट भी। आपको ये फार्मूला याद होगा, एंगस्ट्रॉम। अगर ये याद नहीं है तो यहाँ से एच अपॉन टू मोमेंटम एम बी और एच अपॉन टू मोमेंटम को 2 टाइम्स मास काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल लग सकते हो। और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सलेट हो रहा है तो 2 टाइम मास काइनेटिक एनर्जी ई टाइम्स अंडर रूट पोटेंशियल वी के इक्वल होगा। तो यहाँ से भी ये सारी वैल्यू आ जाएगी। कुल मिला के लैमडा इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट बी। इलेक्ट्रॉन के केस में ये वाला जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो यहाँ से तुम देखोगे, क्योंकि हमें डी ब्रोगली वेव बी वन था जब, तो लैम्डा था, अब बी टू हो गया तो डी ब्रोगली वेव लेंथ 50% इनक्रीज हो गया। तो बी वन बी टू की वैल्यू यूज करो। तो सबसे पहले जो बी टू है उसको मैं बी वन था तो वेव लेंथ कितना था भाई, लैम्डा था। तो जब वी टू हुआ तो वेव लेंथ मान लेते हैं लैम्डा टू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो लैम्डा टू की जो वैल्यू है, लैम्डा टू कहता है 50% इंक्रीज हो गया। तो 50% किस में इंक्रीज हो गया, लैम्डा टू जो है 50% ऑफ किसका, लैम्डा वन का। मतलब भाई पहले तो जो जो वैल्यू थी उसमें उसमें 50% इंक्रीज हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50/100 और मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा वन प्लस लैम्डा जो वैल्यू थी उसी में तो इंक्रीज हो गई 50%। तो ये आ जाएगा लैम्डा बाई टू और प्लस लैम्डा, कुल मिला के आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। दिस इज द न्यू लैम्डा टू। तो ये नया लैम्डा टू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी भी पोटेंशियल डिफरेंस बी वन अपॉन बी टू अंडर रूट। तो हमें बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब स्क्वायर करोगे तो बी वन अपन बी टू की जो वैल्यू आएगी पोटेंशियल, वो लैमडा टू अपन लैमडा वन का होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लैमडा टू की वैल्यू है वो 3 अपन लैमडा 2 है, और लैमडा वन जो है वो लैमडा था और इसका स्क्वायर चढ़ेगा। तो लैमडा ने लैमडा को काट दिया तो यह आ जाएगा 9/4। तो 9/4 इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इस हिसाब से हमारा डी ऑप्शन मैच कर जाता है और ये सारे अपने रॉन्ग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।